दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। मलकापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले धिरनी मार्ग पर गुटखा ले जा रहे वाहन को पकड़कर पुलिस ने कुल 14,28,640 रुपए का माल जब्त किया है। इस कार्यवाही में वाहन चालक को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से अवैध रूप से गुटखा महाराष्ट्र में लाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन के दामों में आई उछाल को देखते हुए सोयाबीन उत्पादक किसानों के चेहरे काफी खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनका संभ्रम दूर हो गया है। पिछले 4 से 5 दिनों पूर्व जहां सोयाबीन के दाम 11,000 के लगभग थे, अब वह 7,000 प्रति क्विंटल के आसपास आ पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए सोयाबीन के मौसम में सोयाबीन के दाम क्या होंगे, इस और किसानों का ध्यान लगा हुआ है। आगामी दिनों मनपा चुनावों को लेकर भावी उम्मीदवार अब जनता से संपर्क बढ़ाकर चुनावी वादे करने लगे हैं। वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे एक बार फिर मनपा क्षेत्रों में रौनक बढ़ गई है। राजनेताओं समेत उम्मीदवारों का आवागमन क्षेत्रों में होने से चुनावी सरगर्मियां मतदाताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर शिवनी से लेकर रिदोरा तक जो नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा उसकी गति बहुत मंद है। इस धीमी गति के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णा सिनेमा घर से लेकर पुराना शहर तक कई बस्तियां इस मार्ग पर है, उन लोगों को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर कई बड़े तथा महत्वपूर्ण होटल तथा कई महत्वपूर्ण कार्यालय है। अकोला जिले में 86,000 से अधिक लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है, क्योंकि लोगों के मन से कोरोना का प्रभाव कम हो गया है, जिससे फिर से लोगों में लापरवाही व बेफिक्री देखी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिले में कहर मचाने के बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की भीड़ बढ़ी थी, लेकिन अब कोरोना का प्रभाव कम होने से लोगों ने वैक्सीनेशन केंद्र की ओर से मुँह फेर लिया है। महावितरण कंपनी के करोड़ों के बिजली बकाया होने के साथ ही बिजली चोरी का सिरदर्द और अधिक बढ़ गया है। बकाया बिल वसूली करना तथा बिजली आपूर्ति कट करने की मुहिम को प्राथमिकता के साथ चलाया जा रहा है। बिजली चोरी के कारण महावितरण कंपनी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिजली चोरी की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए आगामी दिनों में शहर में सभी बिजली ग्राहकों के घर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 10 दिन हर्ष उल्लास से चले गणेश चतुर्थी का कल बापा के विधिवत विसर्जन से समापन हुआ। ये 10 दिन आए और चले भी गए, समय का पता ही नहीं चला। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि कोरोना नियंत्रण में था। मनपा द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंडों में भक्तों ने बापा को विसर्जित किया। अकोला मनपा चल रही भगवान भरोसे, आयुक्त को छोड़ सभी प्रमुख पद रिक्त। रिक्त पद कुछ इस प्रकार है, उपायुक्त का 1 पद, सहायक आयुक्त के 3 पद, उपसंचालक नगर रचना का 1 पद, उपअभियंता का 1 पद, आरोग्य अधिकारी का 1 पद, लेखाधिकारी का 1 पद, शहर अभियंता का 1 पद, कार्यकारी अभियंता के 2 पद आदि महत्वपूर्ण स्थाने रिक्त है। सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद भी करीब 6 महीने से गीता नगर के पुल पर एक ओर का रास्ता बंद था, दूसरी ओर से ही 2 तरफा आवागमन हो रहा था। वाहन चालकों की समस्या देखते हुए पूर्व महापौर मदन भरगढ़ जी ने आला अधिकारियों से बात कर रास्ता शुरू कराया। शुक्रवार को लग्जरी बसें हटाकर बंद रास्ता सुचारू किया गया। MBA की प्रवेश परीक्षा का स्वरूप निर्धारित है, लेकिन राज्य में स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा ली गई MBA की प्रवेश परीक्षा के स्वरूप में आकस्मिक रूप से बदलाव किए जाने से MBA में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी संभावित परीक्षा परिणाम को लेकर आशंकित एवं निराश नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में उच्च शिक्षा मंत्री ने न्याय की गुहार लगाई है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।